हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज दिव्या. आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में. कैसे हैं आप लोग? हेलो संजू, हितेश, धर्मेंद्र, प्रिया, कमलेश, गुड मॉर्निंग. जस्ट अ मिनट. ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. हेलो दिनकर, गुड़िया, गुड मॉर्निंग. बिहार की धरती से प्रणाम प्रणाम, बहुत सारा प्यार और नमस्कार. तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को. कल तक का जो भी करंट अफेयर बना है उसे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? और कैसे तैयारी कैसे चल रही है सबकी? जल्दी से आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. चलिए, तो आज का सेशन बहुत ही खास रहेगा. कल तक का जो भी करंट अफेयर बना है उसे हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. 29 मई है आज, तो आज हम जो आज का सेशन है उसे शुरू करते हैं, ठीक है? और साथ ही में ये जो महीना है ये भी खत्म होने वाला है. एक दो दिन में हम नया मंथ शुरू कर देंगे. तो जो भी आपके गोल हैं, छोटे छोटे से स्टेप उठाइए उनके लिए. हर दिन कुछ सोचें कि आज हमें ये कंप्लीट करना है और उसके लिए मेहनत करिए, ठीक है? इस तरीके से आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग. हाँ जी, तो शुरू करें. पहला क्वेश्चन बन रहा है जिसकी न्यूज़ कल पूरे देश भर में थी, ठीक है? आपने कहीं भी यूट्यूब स्टार्ट किया होगा तो आपको यही, टीवी में भी यही सब कुछ यही सुनने को मिला होगा. 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना के तहत बने संसद भवन का उद्घाटन किया? आपको इसका आंसर करना है कि क्या होगा. यस, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 2020 के अंदर ही संसद भवन बनाने की एक योजना चलाई गई थी, ठीक है? क्योंकि अभी जो हमारा संसद भवन था पुराना वाला, जो ब्रिटिश समय में बनाया गया था और लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो हालांकि नया संसद भवन बनाने की जरूरत क्या पड़ी, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत कम था. आप लोग जानते हैं कि 2026 में नया परिसीमन होगा जिसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी और पुराने वाले संसद भवन में सीट्स बहुत कम थी और इसी वजह से नया संसद भवन बनाया गया, ठीक है? तो यहां से ध्यान रखिएगा, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है इसी के तहत नया संसद भवन बनाया गया है. कौन सा प्रोजेक्ट है ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बट यहां से प्रश्न आएगा जरूर. हेलो वर्षा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ये आज मुझे उल्टे फुलटे से कैसे हो गए हैं? मतलब चलो ठीक है, एक मिनट. अरे ये कैसे चलेगा? हाँ अच्छा, कैसे मैम आपको सुबह देख कर दिन अच्छा जाता है? चलिए गुड मॉर्निंग. मेरी तरफ से इधर से सब कुछ ओके है, ठीक है? देखिएगा, तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल विस्टा ये जो प्रोजेक्ट है इसी के तहत रीडेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट हम लेकर आए थे जिसके तहत हमने संसद भवन का निर्माण किया. कौन सी? नई संसद भवन. आपको कुछ देखने में कुछ इस प्रकार का लगेगा, ठीक है? तिकोना टाइप का. इस बार पहले का जो आपका संसद भवन था वो थोड़ा गोलाकार था और इस बार कैसा है, ट्राइंगल शेप में है. तो इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं कि इसका उद्घाटन कब किया गया. 28 मई 2023 यानी कि कल इसका उद्घाटन किया गया. परियोजना का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना यानी कि रीडेवलपमेंट स्कीम. निर्माता कौन है? टाटा प्रोजेक्ट्स के तहत इसको यहां पे इसको इसको बनाया गया. लागत लगभग 850 करोड़ के आसपास रखी गई थी, 820 करोड़, बट कितनी लगी है, 1000 करोड़ के आसपास इसकी लागत लगी है, ठीक है? 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी जी के द्वारा इस संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी और रिकॉर्ड समय में कहा गया था कितने समय तक इसका जो निर्माण है वो पूरा हो जाएगा और रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण कंप्लीट भी हो गया और कल इसका उद्घाटन भी हो गया. हालांकि बहुत सारी पार्टीज ने यानी कि 19 पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया था कि हम इसके उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे, ठीक है? वो सारी आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा कितनी पार्टीज ने, लगभग 19 पार्टीज ने बहिष्कार किया था कि हम नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे, ठीक है? इसके अंदर क्या क्या बनाया गया है, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल हॉल, संयुक्त सत्र, सेंट्रल लाउंज, संवैधानिक हॉल और कार्यालय शामिल है, ठीक है? इमारत आकार में त्रिकोणीय है और लगभग बोला जा रहा है कितने समय तक इसको कुछ नहीं होगा, लगभग 150 साल,
लगभग मिनिमम तो 150, इससे ज्यादा भी कहा जा रहा है कि इसको कुछ नहीं होगा, जो भी भूकंप के पैरामीटर्स वगैरह इन सबको अच्छे से ध्यान में रखा गया है। यानी कि एक तरीके से आज के टाइम में हमें किन किन चीजों की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उन सबको देखते हुए ही इस संसद भवन का निर्माण किया गया है, ठीक है। जबकि पिछले संसद भवन में कुछ ऐसा ये सब चीजें नहीं थी, क्योंकि लगभग उसको 97 ईयर्स पहले उसको बनाया गया था, या मान लीजिएगा कि 100 साल पहले की बनी हुई है। तो आज के समय में क्या क्या सिचुएशंस आ रही हैं उसको देखते हुए उसका निर्माण नहीं किया गया था, तो ये भी एक रीजन था कि नई संसद भवन का निर्माण जरूरी था, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सीटिंग अरेंजमेंट की दिक्कत हो रही थी उसी के लिए। अब यहां पे निचला सदन क्या है, यानी कि लोकसभा, लोकसभा में अब जो सीटिंग अरेंजमेंट है, कितने सदस्य बैठ सकते हैं, 888, ये नंबर आपको याद रखना है। और आपका जो राज्यसभा है उसके अंदर 300 मेंबर्स बैठ सकते हैं, यानी कि अब जो नंबर है वो बढ़ाया गया है, पहले 545 सदस्य की संख्या, यानी कि लोकसभा में 545 और उधर कोई 250 के आसपास सीटिंग अरेंजमेंट था, बट अब ये नंबर बढ़ा दिया गया है क्योंकि 2026 में परिसीमन होगा और सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो ये सब बातें अच्छे से ध्यान रखनी है आपको नई संसद के बारे में, ओके। 850 नहीं, 850 सोचा था 820 के आसपास कितनी लागत लगेगी, बट खर्चा जो है वो 1000 करोड़ के आसपास लगा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाल ही में प्रारंभ किया गया समर्थ अभियान का संबंध किससे है, शिक्षा क्षेत्र से है, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने से है, या फिर ग्रामीण पेयजल। आपसे पूछा गया है समर्थ, ये काफी टाइम पहले भी एक अभियान था समर्थ, वो कपड़ा विभाग से संबंधित था, बट ये अलग है, ठीक है। समर्थ की बात करें तो समर्थ का मतलब क्या होता है, किसी को समर्थ बनाना, ठीक है। अब ये जो है ये संबंधित है ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने से। अब ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने से संबंधित है और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, ठीक है, महिला को सशक्त बनाने से भी संबंधित है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह। इन्होंने हाल ही में लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया है, मतलब बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है समर्थ अभियान, ठीक है। उद्देश्य क्या है, महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजिटल लेनदेन है उसको बढ़ावा देने से संबंधित है। पूरा देश मॉडर्न हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, तो गांवों को कनेक्ट करना है क्योंकि गांवों में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में या जो कैश में ही लेनदेन करते हैं। तो कोशिश की जा रही है, पर्टिकुलर अभियान चलाया जाएगा, लोगों को सिखाया जाएगा कि आपको इस तरीके से डिजिटल लेनदेन करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट यहां से देखिएगा, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कौन से राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए $141 मिलियन के ऋण पे हस्ताक्षर किया है। हम जो बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर इस राज्य को इतनी फंडिंग मिली है, इससे जस्ट वो फंडिंग क्या होता है, एक तरीके का बोल सकते हैं लोन ही होता है, ठीक है। देखिएगा, अब यहां से देखिएगा कि एडीबी ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, किस राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $141 मिलियन के ऋण को इस पे हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा, आंध्र प्रदेश। पढ़ लो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शेयर करो, शेयर कर दो जल्दी से शेयर कर दो इसको, ठीक है। देखिएगा आगे हम लोग बात करते हैं, ये पर्टिकुलर इसको प्रकाशित भी किया गया था। एडीबी ने आंध्र प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग $141 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ये जो फंडिंग है ये पहले से डिसाइडेड थी, यानी कि 2016 में डिसाइड किया गया था कि हम फंडिंग करेंगे, ठीक है, उसी के तहत ये फंडिंग की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, आंध्र प्रदेश में स्थित 3 औद्योगिक समूह में आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, जल और आपूर्ति प्रणाली और बिजली वितरण नेटवर्क के विकास का समर्थन करना है, ठीक है। यानी कि फंडिंग की जाती है पर्टिकुलर बैंक्स के द्वारा, उनको फंड दिया जाएगा और बदले में ऐसा नहीं कि चुकाना नहीं है, चुकाना भी है, विद आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना होता है, ठीक है। बस एक बार के लिए ये होता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो जो बैंक है वो आपको पैसा दे देगा, ठीक है। चलिए, तो 2016 में ही पर्टिकुलर एक
एक ना पर्टिकुलर स्कीम थी, एक मल्टी आप बोल सकते हैं इसको मल्टी इंस्टॉलमेंट फाइनेंस फैसिलिटी थी, इसी का ही एक पर्टिकुलर ये हिस्सा है, ठीक है, जो ये फंडिंग की गई है। उसमें बोला गया था कि 500 मिलियन डॉलर की फंडिंग की जाएगी, उसके तहत अभी 141 मिलियन डॉलर की फंडिंग की गई है। नेक्स्ट देखिए, एशियाई बैंक की बात कर लेते हैं, तो स्थापना 1966 में की गई, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, और अध्यक्ष कौन है, मतासुगु असकवा, ठीक है, ये इसके क्या है, अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक अभ्यास हुआ है, ठीक है, कौन सा है, युद्ध अभ्यास सुदर्शन शक्ति, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अभ्यास रिलेटेड आपके ना प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भी हाल फिलहाल में जितने भी अभ्यास हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो कौन सा है, सुदर्शन शक्ति, 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या पश्चिम बंगाल। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो सुदर्शन शक्ति अभ्यास है ये राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है, यानी ये जो एक्सरसाइज है ये कहां पे की गई है, राजस्थान में की गई है। चलिए यहां पे देखिएगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं इनके बीच में ये अभ्यास किया गया, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से, किसकी ओर से, सप्त शक्ति कमान की ओर से 22 से 25 मई तक राजस्थान में सुदर्शन शक्ति 2023 का जो युद्ध अभ्यास है ये किया गया था, ठीक है। इसमें आर्मी के अलावा जो एयरफोर्स के जवान है इन्होंने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया था, ध्यान रखिएगा आर्मी और एयरफोर्स इन दोनों के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया, और ये कौन सा है, सप्त कमान की तरफ से इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अब यहां से मतलब या इसका रीजन क्या होता है अभ्यास का, इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, जो भी हमारी सेनाएं होती हैं उसमें आपसी तालमेल को बढ़ाना, उनमें यूनिटी को बढ़ाना, और कौन किस तरीके से अगर पर्टिकुलर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें आप किस तरीके से अपनी रणनीति तैयार करोगे और किस प्रकार से अपना मतलब तरीके से जवाब दोगे, वो सब चीजें यहां पर एक्सरसाइज की जाती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस, जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे ही ये लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, भारत की अगली जनगणना फोरम में कितने धर्मों का विकल्प शामिल किया गया है। अभी जनगणना हो रही है, ठीक है, 2011 में लास्ट हुई थी और अभी जो है पर्टिकुलर आपका चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब जो जनगणना हो रही है वो सब कैसे होगी, वो डिजिटल फॉर्म में होगी, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में होगी। और ध्यान रखिएगा कितने धर्मों का विकल्प इसके अंदर शामिल किया गया है, तो 6 धर्मों का विकल्प शामिल किया गया है। हालांकि और भी बहुत सारे समुदाय और धर्म थे जिन्होंने बोला कि आप हमारे धर्म को भी शामिल करें, बट इतना पॉसिबल नहीं है। लगभग जो यहाँ पे 6 धर्म शामिल किए गए हैं इसी के अंदर ही सारी लगभग जितनी भी आबादी है ऑलमोस्ट आ जाती है, ठीक है। देखिएगा तो यहां पे बात करते हैं, ओनली 6 रिलीजन ऑप्शंस मेक इट टू नेक्स्ट सेंसस फॉर्म, ठीक है, जो आपकी अगली जनगणना होगी उसके अंदर 6 ही आपके जो धर्म है इनको शामिल किया जाएगा। अब वो कौन कौन से हैं ये बहुत अच्छे से याद करना है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, ये 6 धर्म हैं, इनको शामिल किया जाएगा अगली जनगणना के अंदर, ठीक है, यानी कि यही 6 धर्म होंगे। अब बात करते हैं इसके अलावा और किस किस ने बोला, इसके अलावा सरनावाद और लिंगायत धर्म को शामिल नहीं किया गया है। अब ये कहाँ पे है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रकृति पूजक आदिवासी समुदाय है, जिसका नाम क्या है, जो सरना धर्म को एक अपने अलग ही धर्म के रूप में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, और कर्नाटक के कुछ लोग हैं जो लिंगायत धर्म को अलग से धर्म के रूप में मानने के लिए एक मांग कर रहे हैं, बट अभी के लिए फिलहाल 6 जो धर्म है, रिलीजन है, उनको ही शामिल किया गया है। और अगली जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के पहले नागरिक हैं, ओके। चलिए दूसरे आपके उपराष्ट्रपति, कुछ इस तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। भोटो यात्रा उत्सव का संबंध किस देश से है, जस्ट ए मिनट, मैं एक बार पानी लेके आ रही हूँ, एक मिनट रुकिएगा।
बिल्कुल देखिए, बोटो जात्रा उत्सव का संबंध है वो किस देश से है, तो ध्यान रखिएगा नेपाल से इसका संबंध है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बोटो जात्रा जो उत्सव है वो कब और क्यों मनाया जाता है। देखिएगा एक्चुअली ना, यहाँ पे अगर हम बात करें, बारिश और फसल के देवता हैं जिनका नाम है रातो मच्छिंद्र नाथ, इनको समर्पित किया जाता है भोटो उत्सव नेपाल के अंदर। ठीक है, ये एक शब्द है जिसका नाम क्या है, बनियान उत्सव है। ये उत्सव 1 महीने तक चलेगा और एक तरीके का ये रथ यात्रा है। ठीक है, जिसे रातो मच्छिंद्र नाथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये बस इतना ध्यान रखिएगा कि बारिश और जो फसल के देवता है उनको प्रसन्न करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। संबंध कहाँ से है, नेपाल से है, पर्टिकुलर एक रथ यात्रा है। डन, चलिए। नेपाल के प्रमुख और भी बहुत सारे त्यौहार हैं जैसे कि दशाइन तिहार, बिस्का जात्रा और इंद्र जात्रा। ये थोड़ा याद रखिएगा, जात्रा से मतलब यही है कि यात्रा या जात्रा, कुछ भी बोल दीजिए। क्लियर? हां जी, ठीक है। देखिए आगे चलिएगा, हाल ही में किसने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए वैश्विक ट्रैकर को एक मंजूरी दे दी है, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को या वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल कांग्रेस? आपको बताना है कि भी हाल ही में किसने ग्रीन हाउस को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकर को मंजूरी दे दी है, यानी कि कौन कितना ग्रीन हाउस का इमिशन कर रहा है, अब ये पर्टिकुलर ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, और किसने इसको यहाँ पे मंजूरी दी है, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल कांग्रेस जो है इसके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। क्लियर? इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। आप लोग जानते हैं जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग उतने व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसके लिहाज से जो गैसेस का इमिशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे पास सूरज से जो भी गर्मी आती है, जो भी यहाँ से रेज आती है, पृथ्वी जो है वो इनको रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, वापस भेज देती है। बट हमारी धरती पर कुछ ऐसी गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वगैरह होने की वजह से, इतना ज्यादा प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज होने की वजह से, कि ये जो रेडिएशंस होती हैं ये वापस नहीं जा पाती हैं। ठीक है, धरती पर ही रह जाती हैं। अब अगर धरती पर रहेंगी तो ये गर्माहट वाली आपकी रेडिएशंस है, और इस वजह से अगर गर्मी वाली रेडिएशंस है तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इसी वजह से हमने इनको नाम दिया है ग्रीन हाउस गैसेस। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो रहता है CO2 का। ठीक है, अब जैसे कि CO2 है, CH4 है, वाटर वेपर है, ठीक है, ये जलवाष्प की बात कर रही हूं, पानी नहीं है, जैसे कि वाटर वेपर है या फिर N2O है, ठीक है, आपका CFC है। अब यही गैसेस क्यों है, क्योंकि ये गैसेस जो है ना ये रेडिएशन को पकड़ लेती हैं, यानी कि रेडिएशंस को वापस जाने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जिसे हम दूसरे शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमें इसके दुष्परिणाम देखने को क्या मिल रहे हैं, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अभी आपने देखा ना पापुआ न्यू गिनी और फिजी वगैरह जो है, इनके जो रिलेशन है, या जो आपके पीएम मोदी हैं ये यहां पे गए थे, ठीक है, ये सारे आइलैंड कंट्रीज हैं। अब ये हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये तो छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं और इनका इतना ज्यादा योगदान नहीं होता है इस कार्बन इमिशन के अंदर। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी भारत की अच्छी खासी एक आप बोल सकते हैं पोजीशन है, बाकी और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें अच्छी खासी पोजीशन है। ठीक है, तो ये देश चाहते हैं कि हमारी तो कोई सुनता नहीं है, और अगर ऐसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहे तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और अगर पानी का लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड कंट्रीज जो है वो डूब जाएंगे। तो इसीलिए उनका यही मोटो है कि अगर हम भारत के साथ बनाकर रखेंगे तो इन फ्यूचर ये हमारी तरफ से आवाज जरूर उठाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ये बड़ा मुद्दा है, ये आपके ग्रीन हाउस वगैरह जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इन सब चीजों को लेके, और इसी वजह से बहुत सारे सम्मेलन वगैरह भी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल कांग्रेस है इसके द्वारा एक वैश्विक एक ग्लोबल ट्रैकर को मंजूरी दी गई है, जो ये ट्रैक करेगा कि कौन कहाँ से कितना CO2 का इमिशन कर रहा है। ठीक है, और ये गैसेस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये सारी गैसेस कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO अप्रूव्स एक ग्लोबल ट्रैकर फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है बस उसी को देखते हुए ये किया गया है। ये पहला गर्मी बढ़ाने वाली गैसों को कम करने के लिए तत्काल कार्यवाही का समर्थन करेगी, जो मुख्य रूप से तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब यहां से ध्यान रखिएगा कि
ये कैसा है, एक इंटीग्रेटेड और एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। यानी कि कई बार होता है ना कि हम पर्टिकुलर किसी को सूचना भेज रहे हैं तो काफ़ी बार गैप आ जाता है, तो जस्ट ये ट्रैकर जो है ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भेजने का जो गैप आ रहा है उसको भी कम करने की कोशिश करेगा। और ध्यान रखिएगा कि नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पेरिस समझौते का समर्थन करेगा और CO2 की निगरानी को मजबूत करेगा। अब कौन कौन सी गैसेज है ग्रीन हाउस, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आने वाले आपके हर कोई एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो सकता है, ये साइंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिहाज से भी और करंट के लिहाज से भी। ठीक है, तो यहां से एक ही तीर से आपके मतलब तीन निशाने हो जाएंगे। ओके, चलिए। हाल ही में किस संस्था ने दूध और दुग्ध उत्पादों की राष्ट्रव्यापी निगरानी की घोषणा करी है? FSSAI, CBI, नीति आयोग या गृह मंत्रालय? आपको बताना है कौन सी संस्था है जिसने दूध और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनकी राष्ट्रव्यापी निगरानी की घोषणा करी है, क्योंकि आप जानते हैं कि डे बाय डे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि मिलावट बहुत ज़्यादा की जा रही है। अब जितनी ज़्यादा मिलावट होगी वैसे ही शरीर ऐसे ही है, मिलावट की वजह से अगर आप वो चीज़ें कंज्यूम करोगे तो आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर देखिएगा FSSAI, ये वो एक संस्था है जो क्या काम करती है, ये फूड सेफ्टीज के आके जो पैरामीटर्स हैं वो डिसाइड करती है अगर कोई भी कंपनी किसी प्रकार का फूड बना रही है तो इसको इससे अपना अप्रूव करवाना होगा, और अगर ये अप्रूव कर देती है उसके बाद में वो अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर सकता है मार्केट के अंदर। ओके, जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से। हाँ जी, ठीक है, देखिएगा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। FSSAI टू कंडक्ट नेशन वाइड सर्विलांस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रकाशित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा बड़े पैमाने पर निगरानी करने के लिए देश भर में जिलों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के नमूनों के प्रति एकत्र करना और उनको शामिल करना, क्योंकि बहुत सारे ना आप देखते हैं कि कुछ लिमिटेड ही आपके प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ से पास होकर गुजरते हैं। कुछ ऐसे छोटे मोटे शहर हैं यहाँ से तो जस्ट ऐसे ही आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, तो अब इसका काम होगा कि पर्टिकुलर जो भी ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि पूरे जिले पूरे देश भर के अंदर इनके सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे और फिर उसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मिलावट होती है और उसके बाद में हेल्थ का इशू, तो इसी वजह से ये स्टेप उठाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर इसकी बात करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है, बहुत अच्छे से याद करना है। स्थापना ध्यान रखिएगा 2008 के अंदर, मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष कौन है, राजेश भूषण। तो ये तीनों चारों बातें आपको FSSAI के बारे में अच्छे से याद रखनी है। हाँ जी, नमूना का मतलब होता है सैंपल। ठीक है, सैंपल पनीर वगैरह सब कुछ। चलो यहाँ पे नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है, 75, 100, 50 या 25 रुपए? जल्दी से शेयर कर दो, और कुछ खास होता है क्या, आप जल्दी से शेयर करो, नंबर बढ़ाओ थोड़ा सा, शेयर करो। यहाँ पे देखिएगा, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है, तो ध्यान रखिएगा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। आइए जानते हैं क्या ये मार्केट में आपके और हमारे लिए क्या अवेलेबल होगा, इसके बारे में सारी बातें देखते हैं। ठीक है, ये जो 75 रुपए का सिक्का है ये नई संसद भवन के उद्घाटन के फलस्वरूप इसको लॉन्च किया गया। अब ध्यान रखिएगा कि सिक्के के आगे वाले भाग में तो क्या होगा, आगे के मध्य भाग में अशोक स्तंभ का एक सिंह शीर्ष होगा और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा, जो बेसिकली आपके सिक्के के अंदर होता है। इसके बाएं तरफ देवनागरी लिपि में भारत लिखा होगा और दाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में तो देवनागरी से भारत और राइट साइड में इंग्लिश में इंडिया लिखा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर है क्या-क्या यानी कि किससे मिलकर बनाया है, तो 50% चांदी का यूज किया है, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता के साथ एक पर्टिकुलर चतुष्कोणीय मिश्र धातु से बना है। ठीक है, अब यहां पे देखो इसके अंदर क्या क्या है, 50% क्या है, सिल्वर है, तो डेफिनेटली ये हमारे और आपके लिए नहीं है, जस्ट इसको एक एक मेमोरी के तौर पे, एक स्मारक के तौर पे इसको रखा जाएगा। ठीक है, तो भूल के भी मत करना कि आपके और हमारे लिए है। अब इतना यहाँ पे 50% मतलब सिल्वर वाले सिक्के हमें कौन ही देगा ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। सिक्के के दूसरी तरफ संसद भवन की तस्वीर है और जिसके ऊपर देवनागरी लिपि में संसद संकुल और नीचे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। ठीक है, ये सिक्का जो है वो लीगल टेंडर नहीं है, एक स्मारक सिक्का होगा, इसको रखा जाएगा, ये यूज में नहीं आएगा।
ठीक है, जैसे कि आने वाले समय में कुछ समय के बाद 2000 का जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, यानी कि अब वो प्रचलन में नहीं रहेगा, जो पर्टिकुलर डेट दी गई है उसके बाद से 2000 के नोट नहीं चलेंगे। हाँ बिल्कुल, गुड गुड मॉर्निंग। जो बच्चे कभी कभी छुट्टियां कभी कभी आते हैं और ज्यादातर छुट्टी मारते हैं तो कंटिन्यू होए, ठीक है। चलिए 31 मई, 10वां नंबर क्वेश्चन यहां से बन रहा है। 31 मई से 3 जून 2023 तक किस देश के प्रधानमंत्री भारत का दौरा करेंगे, ठीक है, करेंगे हैं ये आपको बताना है। अब यहां पे देखिएगा, ब्रिटेन, जापान, नेपाल या रशिया, आपको यहां से पूछा गया है 31 मई से 3 जून जो कि आने वाला समय है, उस समय में कौन से देश के प्रधानमंत्री हमारे भारत का दौरा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा नेपाल, ठीक है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत का दौरा करेंगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। अरे ये पिक्चर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। चलो, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड, 31 मई से 3 जून तक भारत के दौरे पर आएंगे और पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें होगा क्या, अगर बैठेंगे साथ में तो आपराधिक मामले जो है इसके ऊपर बात करेंगे, जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो है ये संधि वगैरह ये सब चीजें करेंगे, ठीक है। अगर बैठते हैं तो देखो बहुत सारी बातों पे चर्चा होती है, ये अगर नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी चलेगा, परंतु यहां से ध्यान रखिएगा कि कब से कब तक है, तो 31 मई से 3 जून तक रहेगा, क्लियर। और यहां पे ना ये पर्टिकुलर संधि थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, MLAT, ठीक है, ये हो सकता है बट अभी कुछ फिक्स नहीं है, जब वो आएंगे किन किन बातों पे चर्चा होगी वो हम लोग वैसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो आपके करंट में हो जाएगा। नेपाल की बात करते हैं, राजधानी है काठमांडू, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पोडेल और आपकी मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया, ठीक है। चले आगे, अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो आप इसे लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। एक्चुअली कल लोग आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो भी हमारे रेसलर्स हैं ये मार्च करना चाह रहे थे नई संसद भवन के पास, तो बट पुलिस के को ऑर्डर दे दिए गए थे कि आप यहाँ से पूरा रास्ता साफ कराओ, क्योंकि कल उद्घाटन था संसद भवन का, तो मे बी बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कौन सी मशीन बनाई है जिससे सोचने के बाद लकवाग्रस्त व्यक्ति चलना शुरू कर देगा। देख रहे हो बिनोद, देख रहे हो क्या कितना कुछ हो रहा है पूरे दुनिया भर में, देखो हम कहाँ हैं, और देखो मतलब कि अगर किसी पर्सन को लकवा है, अगर उसने मात्र सोचा कि उसको चलना है तो वो चलने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रायल वगैरह हुआ है बट अगर हम बोले ना कि हाँ एक सटीक ऐसा हो ही गया है, जस्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कौन सी मशीन है, तो ध्यान रखिएगा ये है वायरलेस डिजिटल ब्रिज है। इसके जरिए क्या होगा कि पर्टिकुलर ये आपने पिक्चर देखी थी ना ये वाले, ठीक है, यहाँ पे ये जो पर्सन है ये सोचेगा, मतलब जो भी व्यक्ति जिसको पैरालिसिस है, अगर वो सोचेगा कि उसको चलना है तो वो चलने लग जाएगा। एक्चुअली मशीन क्या काम करती है, देखो हमारा जो ब्रेन है ना, अब कोई व्यक्ति चल क्यों नहीं पाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको चलने में मदद करती है, ठीक है आपको, क्योंकि पूरा नीचे का हिस्सा आपका ये पूरे जो ऑर्गन्स है ये स्पाइनल कॉर्ड के जरिए कनेक्ट होते हैं और फिर वो ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। पैरालिसिस में क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और आपका जो कनेक्शन है ना आपके रीढ़ की हड्डी का और ब्रेन का टूट जाता है। अब ये मशीन क्या करेगी, आपका इस पर्टिकुलर ये जो रीढ़ की हड्डी है और ब्रेन का जो कनेक्शन है इसको कनेक्ट कर देगी और जिससे क्या होगा, अगर आप सोचोगे तो आप चलने लग जाओगे। समझ पा रहे हो, बिल्कुल अच्छा ही है, मतलब समझ तो पा रहे हो ना। चलिए इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, जल्दी से आप लोग इसको शेयर करें। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहां से होगा नहीं होगा बाद में बात की बात है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने लकवाग्रस्त रोगियों के लिए विचारों से चलने योग्य एक मशीन बनाई है। साइंटिस्ट ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो दिमाग की रीढ़ की हड्डी के कनेक्शन को जोड़ती है और विचारों को एक्शन में बदल देती है। मशीन का नाम क्या है, वायरलेस डिजिटल ब्रिज है और ये कहां पे, स्विट्जरलैंड।
में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में लुसाने से द स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है और आपका जो ब्रेन है इनको कनेक्ट करेगी, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं, पांव चलते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो सब आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन के पास सिग्नल्स आते हैं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, या आपके हाथों को, आपके नीचे के हिस्से को आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है, तो इसीलिए अगर इसका कनेक्शन ही टूट जाएगा तो डेफिनेटली नीचे वाला जो हिस्सा है वो सही से काम नहीं करेगा। ओके, वेरी गुड, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2023 का मुकाबला किस स्टेडियम पर खेला गया? हालांकि ध्यान रखिएगा कल 28 में था और कल ये मुकाबला होना था, ठीक है, बट बहुत ज्यादा बारिश थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया, और कल बहुत ज्यादा बारिश की वजह से ही हम कल रात वाली क्लास भी नहीं ले पाए थे, क्योंकि यहाँ पे इतनी तेज बारिश थी, आई थिंक कंटिन्यूसली ये शुरू हुई थी 6 बजे से और रात को 10-11 मतलब उसके बाद भी कंटिन्यूसली चल रही है और लाइट नहीं थी, ठीक है, तो हमें लगा पता नहीं कब तक आएगी, कुछ बैकअप, मतलब कि पिछली बार भी जब लिया था तो बैकअप बीच में क्लास ख़त्म हो गई थी ना, मतलब बंद हो गई थी, तो इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लिया गया। और ये मौसम थोड़ा सा आजकल पता नहीं कैसे धोखेबाज सा हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। हाँ बताती हूँ, देखिएगा अभी एक्चुअली है क्या कि अभी ये मुकाबला हुआ नहीं है, आज होगा, ठीक है, कल होना था, बहुत इस बारिश की वजह से मुकाबला नहीं हुआ, होना कहाँ पे था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जल्दी से बताना कहाँ पे है, और ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है, ठीक है। वानखेड़े की बात करेंगे तो ये आपके मुंबई के अंदर है, ठीक है, ईडन गार्डन की बात करते हैं तो ये आपके कोलकाता में है, ठीक है, उसके अलावा अगर इकाना स्टेडियम की बात करते हैं तो ये आपके यूपी यानी कि लखनऊ के अंदर है, ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम तो ये आपके अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, और ये आपके विश्व का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है? बताओ बताओ, वेरी गुड, गुजरात टाइटंस होगा। हालांकि पिछली बार गुजरात टाइटंस ने ही ये जो खिताब है वो जीता था, देखना होगा कि क्या वो दूसरी बार भी जीतता है, ठीक है, बट कुछ कह नहीं सकते हैं। ये पता है ये जो गेम्स होते हैं या फिर जो हम पर्टिकुलर एग्ज़ाम देते हैं, मतलब इसमें जब तक ये पर्टिकुलर होगा नहीं ना तो हम तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा। जब ये सब चीज़ें हो रही हैं उस टाइम पे कौन सी क्या परिस्थितियां हैं और कौन सी इफेक्ट करती हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रभावी करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ होता है, तो इसीलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यस, तो ध्यान रखिएगा जयपुर में बनाया जा रहा है चोप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम या भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, तो नाम क्या होगा? अनिल अग्रवाल स्टेडियम होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो ध्यान रखिएगा कहां पर खेला जा रहा था, खेला जाने वाला था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, बट ये जो मैच है वो आज होगा, तो जैसा भी रहेगा कल हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मकसद यही था कि काफी सारी चीजें हम लोग यहीं पे कवर कर लें। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आईपीएल 2023 का फाइनल मैच खेला जाएगा, ठीक है, अब देख लेंगे आज क्या होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और किसके बीच में होगा? एक तो चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में होगा और गुजरात टाइटंस के मध्य होगा, ठीक है। उससे पहले तक चेन्नई सुपर किंग्स जीता रहा है, लगभग आई थिंक 8 बार जीता है मेरे ख्याल से, ठीक है, और गुजरात टाइटंस है, ये पिछली बार भी जीता था और अब कौन जीतेगा कुछ आइडिया नहीं है। फाइनल मैच 28 को होना था लेकिन बारिश की वजह से इसे हमने पोस्टपोन कर दिया है और आज ये मैच होगा। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, आज भी कोई तूफान आने वाला है, डेली मतलब डेली कुछ ना कुछ हो रहा है और ये अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कभी सोचा नहीं था कि मई में इतना ज़्यादा तेज़ तूफान एंड बारिश एंड ऑल ये सब चीज़ें होंगी,
कोई बात नहीं। कर्नाटक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? गणेश प्रकाश हुकेरी, लक्ष्मण संगापा संवादी, यूटी खादर या कट्टी निखिल उमेश? क्या है कर्नाटक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष? हम लोग अभी जानते हैं कर्नाटक के अंदर चुनाव हुए थे, कांग्रेस की सरकार बनी है, सिद्धरमैया जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात कर रही है विधानसभा अध्यक्ष की, तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? यूटी खादर बने हैं। पहली बार कोई मुस्लिम यहाँ के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से 222 में से 136 सीटें किसने जीती? कांग्रेस ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनेगा, और ध्यान रखिएगा 65 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो बहुमत इसके पास आ गया था, तो इसलिए इसने अपनी सरकार बना ली। अगर बात करते हैं कि राजधानी क्या है, तो राजधानी इसकी बेंगलुरु है। और अगर बात करेंगे राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, और मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया, ठीक है। और पहली बार यहां पर ध्यान देखिएगा यूटी खादर जो है ये पहली बार एक ऐसे नेता है जो मुस्लिम नेता है जिनको यहां पर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? यस, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है वो लाइक और शेयर कर दें। कल पूरी रात को यहां पे लाइट नहीं थी, ठीक है, थोड़ी बहुत सुबह आई है, जस्ट तब जाके मैंने आपका ये काम वाम किया है। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब यहां से देखिएगा, एक्चुअली 2-3 दिन पहले की बात है, तो आपको बताना है ताइक्वांडो इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। अब ताइक्वांडो क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में। ताइक्वांडो जो है ये कोरियन मार्शल आर्ट होती है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इंडिया में इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा नामदेव शिरगांवकर, ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं इनको चुना गया है ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, समझ गए। ये पर्टिकुलर एक मार्शल आर्ट है जो किसके ऊपर बेस्ड है, कोरियन मार्शल आर्ट है, ठीक है, एक प्रकार का ये गेम है, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, नामदेव शिरगांवकर ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं, और ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ी बात कि निर्विरोध चुने गए हैं, इनके सामने कोई नहीं था, इसी वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपने देख ही लिया है, महासचिव कौन है? अमित अंकुश धमाल। एंड यहां पे इसको कब स्थापित किया गया था, तो 1979 से, ठीक है, 1979, ठीक है, यानी कि 1979। ओके, चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, यहां से कुछ और एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा ना गड़बड़ा गया है सिस्टम, मैंने फटाफट से स्लाइड्स बनाई। देखिएगा यहां पे, देखिएगा हम कुछ दो एक्सरसाइज की बात करते हैं। भारत बुलंद भारत अभ्यास, ये हमने देखा था ना कि चाइना जो है ये हर टाइम घोचे से करता रहता है, तो हमने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश में पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज करी थी जिसका नाम क्या है, भारत बुलंद अभ्यास, या बुलंद भारत अभ्यास। भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है इस पर तनातनी के बीच में भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास किया, ताकि हम चाइना को ये बता पाएं कि हम भी तुमसे कम नहीं हैं, अगर तुमने कभी टक्कर ली तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है, नो डाउट चाइना के जितनी नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली अच्छे से फाइट तो करेंगे, ठीक है। एक और अभ्यास है जिसका नाम है जल राहत अभ्यास। तो हमारे देश में पर्टिकुलर कभी कभी आपदाएं आती रहती हैं, भूकंप है, जैसे कि बाढ़ वगैरह आना, तो इस आपदा से निपटने के लिए पर्टिकुलर एक अभ्यास किया गया जिसका आयोजन किया गया था असम के अंदर, ठीक है, जो हमारी मिलिट्री फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ वगैरह है, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज करी, ठीक है। चलिए यहां से नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश में कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्र ने संचालन समिति का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में किया है? अभी हमने कुछ दिनों पहले ही बात करी थी कि कोनो में नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे, 8 चीते, और उसके बाद में साउथ अफ्रीका से 12, तो टोटल कितने थे, 20 चीते। बट हाल ही में 3 की डेथ हो गई है, तो ये पता लगाने के लिए कि आखिर रीजन क्या है, क्यों इनकी डेथ हो रही है, इसी को लेकर ना, क्योंकि ये सब कहां पे है, कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहां, मध्य प्रदेश में है, तो इसी की जांच करने के लिए पर्टिकुलर समिति का गठन किया गया है। और यहां पे इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेश गोपाल जो है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे कि पर्टिकुलर ये ऐसा हो क्यों रहा है। यहां पे जो भी कमेटी बनाई गई है इस पे जांच करने के लिए कि जो यहां पर चीते हैं उनकी डेथ क्यों हो रही है लगातार, उसके लिए हमने जो कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेश गोपाल है। हां जी,
ठीक है, देखेगा। आगे हम लोग यहाँ बात करते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने चीता परियोजना संचालन समिति गठित करी है। 11 सदस्यों की ये टीम होगी और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? ग्लोबल टाइगर फोरम वैश्विक बाघ मंच के महासचिव। तो यहां से एक चीज और ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेश गोपाल कौन है, तो ग्लोबल टाइगर फोरम वैश्विक बाघ मंच के महासचिव है। इनको हमने इसका अध्यक्ष बनाया, किसका बनाया है? NTCA। यहां पर पर्टिकुलर इसने एक कमेटी का गठन किया है, उसका अध्यक्ष हमने इनको बनाया है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश वन विभाग और NTCA के लिए चीता से संबंधित विकास, निगरानी और अन्य विषयों की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि यहां पर जो चीतों की डेथ हो रही है उसका रीजन क्या है, उस रीजन का पता लगाया जाएगा, क्योंकि अगर पर्टिकुलर इसी प्रकार से डेथ होती रही तो चीतों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए यह समिति का गठन किया गया है। इंडिया फार्मा एंड इंडियन मेडिकल डिवाइसेस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पुणे, नई दिल्ली, लखनऊ या भोपाल? कौन सा है? पर्टिकुलर मेडिकल फील्ड से संबंधित है, इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस। तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ज्यादा कुछ तो नहीं बनेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के फार्मा उद्योग के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। फार्मा यानी कि जो आपके मेडिकल लाइन से संबंधित होता है उसी से रिलेटेड है। बहुत बार समय समय पे कुछ सम्मेलन आयोजन का गठन किया जाता है ताकि पर्टिकुलर विचारों को डिस्कस किया जाए, इनोवेशंस, क्योंकि जब आप इकट्ठे बैठोगे तो लोगों की बातें जब सुनते हैं तो हर एक की अपनी राय होती है, उससे हमें नए नए आइडियाज भी मिलते हैं, ठीक है। तो यही उद्देश्य है कि जो भी पर्टिकुलर क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। चलिए, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे जो केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। डन। चलिए आगे यहां से देखिएगा, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की थीम जो है वो क्या रखी गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नीति आयोग को क्या बोला जाता है? थिंक टैंक बोला जाता है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उसके बाद 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। किसकी जगह पे? जो पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, उसी को ही क्या बना दिया गया? अब नीति आयोग बना दिया गया। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक जो की गई है अभी हाल ही में, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो आपका राइट आंसर रहेगा डेवलप्ड इंडिया एट 2014, रोल ऑफ टीम इंडिया, ठीक है। तो आपका एक नंबर ऑप्शन यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कहां पे हुआ है। न्यू कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगर थीम की हिंदी में बात करें तो विकसित भारत एट 2014, टीम इंडिया की भूमिका, या इंग्लिश में दोनों ही तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस बैठक में पर्टिकुलर जो 7 विषय थे उनके ऊपर चर्चा की गई। ये आपका अगर थोड़ा सा एग्जाम टफ आता है उसके लिहाज से, या फिर जो आपके सब्जेक्टिव होता है उसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME पे विशेष ध्यान दिया गया। बुनियादी ढांचा यानी कि जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है, अनुपालन को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे की गति में यहां पे पर्टिकुलर एक तरीके से प्रोग्रेस करना है, या किस तरीके से हम कर सकते हैं, इन मुद्दों पर यहां पर बात की गई, ठीक है। कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और थीम क्या है? थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग की बात करें तो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 में, थिंक टैंक के नाम से आप इसको जानते हैं। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाय डिफॉल्ट देश का जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इस पर्टिकुलर 8वीं जो ये कांग्रेस बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने करी है? हमारे प्रधानमंत्री ने करी है, या आप ऐसे बोल सकते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष और इनडायरेक्टली क्या है? PM होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी है, सुमन के बैरी। और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो यहां से भी प्रश्न बनेगा, कैसा भी पूछा जा सकता है, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, CEO कौन है, कैसे भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। हाँ, लगभग ये 2-3 जगह है जहां पे सब चीजें होती रहती हैं, ठीक है, ज्यादातर प्रगति मैदान में होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान, ठीक है, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट बनते हैं।
कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, डायरेक्ट आपसे स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछ लिया जाता है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, इंडिया का कोई भी एग्जाम है जिसके आप तैयारी कर रहे हैं, यहां से प्रश्न एक आधा आपको जरूर देखने को मिलता है। तो इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा आपका जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है। सबसे पहले बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ट्रांबे, और ट्रांबे कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे, कटक, और कटक कहां पे है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे है, नई दिल्ली के अंदर है, क्लियर। आगे चलिएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये है राजमुंद्री, और राजमुंद्री कहां पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर से देखिएगा भाभा एटॉमिक सेंटर जो है ये ट्रांबे मुंबई के अंदर है, केंद्रीय कृषि चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पे है, कटक, कटक कहां पे, उड़ीसा में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश और कहां पे, राजमुंद्री में है, ठीक है। उसके अलावा और भी है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पे है, देहरादून में है, इसी के द्वारा ही पर्टिकुलर आपके वन रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान या आपके लखनऊ यूपी के अंदर है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या आपके करनाल हरियाणा में है, ठीक है, या आपका उत्तराखंड, और ये आपका यूपी, ठीक है। और अगर भारत पेट्रोलियम संस्थान की बात करेंगे तो ये भी कहां पे है, देहरादून के अंदर है। बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपने देखे भी होंगे, क्योंकि ना आपने पुराने पेपर जरूर उठा के देखे होंगे। और एक चीज और, अगर नहीं देखे हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, और उसके बाद में आपको ये भी चेक करना है कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस हमेशा अपने पास होना चाहिए, आपका जो जो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है टिक करते जाओ। अगर पेपर आपने देखा होगा तो आपको ये आइडिया होगा कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं और आपको अपने टॉपिक को किस हद तक पढ़ना है, यानी कि कितना डिटेल्ड में पढ़ना है। ये सब चीजें हमें पता चलती हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से, गॉट इट। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बताइए। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं सो प्लीज समय का विशेष ध्यान रखिएगा। हमारी क्लास का समय होता है सुबह 7 बजे, तो आप बहुत ज्यादा लेट आते हैं, तो समय पे AM, ठीक है, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। रात को 8 बजे साइंस की क्लास होगी, जिसके अंदर हम ब्लड वाला टॉपिक कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है वो जरूर आए, और वो भी आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम वहां पर कंप्लीट साइंस कर रहे हैं। तो जो भी साइंस करना चाहता है वो शाम वाली क्लास को भी ज्वाइन कर सकता है। आज के सेशन में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, ठीक है। बाकी के आपके जो भी क्वेश्चन आपके मन के, किस राजस्थान के कुछ क्वेश्चन नहीं बने हैं, आपने नहीं बताए या नहीं करवाए, वो हम लोग करेंगे कल की डेट में, और परसों तक का रिवीजन हम लोग कल के सेशन में वैसे ही कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए कल का कोई रिवीजन था नहीं, और कोशिश करी गई है कि आपके इन एक पिछले दिनों में जो भी क्वेश्चंस बने हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर कर लें, ओके। तो चलिएगा, बाकी का हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एक्चुअली आज लाइट का बहुत ज्यादा इशू था, सुबह आई है, मैं फिर सुबह जल्दी थोड़ा उठी, और कल पूरी रात लाइट नहीं थी यहाँ पे, और बैकअप भी बेचारा मरने को रहा था, और आप लोग जानते हैं कि लैपटॉप वगैरह सब कुछ उसी से ही चलेगा, ठीक है। तो बस ठीक है कि क्लास हो गई, और मुझे था कि शायद क्लास भी नहीं हो पाएगी, तो बाकी का हम लोग करेंगे कल के सेशन में। और डोंट वरी, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसीलिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, समय है सुबह 7 बजे, कोई बात नहीं, आप क्लास लगा रहे हो इतना ही बहुत है, किसको सुनाऊं। चलिए, तो बाकी का हम लोग करेंगे कल। टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।